व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे साथ एक अदद बोर्ड है। बेफिक्र रहें, आपकी कोई क्लास नहीं होने वाली, मैं कोई स्कूल टीचर की तरह आपको नहीं बताने वाली, लेकिन इससे एक गाइडलाइन मिल जाती है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर का मॉडल नंबर HWM8526। ये व्यूअर्स जो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे थे। फिर दूसरा मॉडल नंबर है HWM12082615082। अच्छा, ये जो 826 है इसके व्यूअर्स हमारे पास बहुत सारे आए। इससे पहले मैंने इस मॉडल नंबर पर एक भी वीडियो नहीं बनाई है और ये मेरे चैनल पर इस मॉडल नंबर पर ये फर्स्ट वीडियो है। ये मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ये जो वॉशिंग मशीन के ऊपर पूरा पैनल होता है, ये पूरा मैंने पैनल बनाया हुआ है। यहाँ वाटर लेवल गिवन है, वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन टाइम, डिले और नीचे प्रोसेस, और इन्होंने डिटर्जेंट और वाटर लेवल समझाया है इन्होंने कि 2, 4, 6, 8, 10 पर क्या होगा। फिर सेट का बटन दिया गया है और फिर वाटर लेवल, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके दिया गया है। ये सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं जो सेटिंग होते हैं, जिसमें डीप क्लीन, नॉर्मल, वूल, हैवी, डेलिकेट, स्पिन, एयर ड्राई, क्विक फंक्शन है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। और इन दोनों को सेट और प्रोग्राम के बीच में टप क्लीनिंग, और ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि आप देखते हैं कि पहले हमने HWM901789 मॉडल नंबर पर हमारे जितने भी चैनल पर वीडियोस हैं वो आपको सारे इस मॉडल नंबर पर मिलेंगी। और जो है अब हमारे पास करंटली जो है वो ये मॉडल है HWM12016 78। आज जो हम वीडियोज बनाने लगे हैं वो है हमारा मॉडल नंबर HWM85826, HWM12082, HWM15082। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये केजीज गिवन है, ये जो दी गई है केजीज में आपको बताती है कि ये 8.5 केजी की, 12 केजी की, ये 15 केजी की, जबकि ये मॉडल नंबर ये वाला होता है 826। ठीक है, तो मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि ये पूरा पैटर्न है, ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमारा HWM901789 का था। इसमें सारा सब कुछ वैसे ही गिवन है, वाटर लेवल, वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन टाइम, डिले, प्रोसेस, ये इन्होंने न्यू दे दिए हैं, दो डिटर्जेंट और वाटर लेवल के लिए और वाटर लेवल सेलेक्ट करने के लिए। बाकी सेट बटन उन्होंने ब्लू में कर दिया है, बाकी ऑल ओवर जितना भी इसका बटन पैनल है वो सेम HWM901789 की ही कॉपी है। इसके जो फंक्शन है ये फ्लैश दिए गए, यानी कि लाइट आपको बीप का बताया, नॉर्मली ऑन, जब नॉर्मली ऑन करते हैं तो आपको कौन से फंक्शन मिलेंगे, सबसे पहले नॉर्मल, हैवी, स्पिन और क्विक। जब दोबारा बीप लाइन इधर आएगी तो ये डीप क्लीन, वूल, डेलिकेट और एयर ड्राई प्रोग्राम सेटिंग ही है। इसके ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ सेटिंग करके बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो है आपको डिटर्जेंट और वाटर लेवल का दिखाया गया है। ये टब बनाया गया है और बताया गया है 2, 4, 6, 8, 10 पर कितना आपका टब जो है वो इंक्रीज होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको गाइडलाइन बता देती हूँ। ये जो वाटर लेवल लो कहलाता है और 4 और 6 जो है ये मीडियम कहलाता है, 8 जो होता है वो हाई हो जाएगा वाटर लेवल, और जो 10 होता है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ये वाटर लेवल होते हैं। ठीक है, और अब सारे व्यूवर्स बोलते हैं काइंडली हमें बता दें कि हम वॉशिंग मशीन में कितना लोड डालें। अब ये जो 8.5 है अगर उसमें ये गिवन है तो आप 8.5 में, यानी कि आप जो है 8.5 के लेवल के हिसाब से, वाटर लेवल के हिसाब से डालेंगे, वाटर लेवल के हिसाब से ही आपने इसके अंदर सारे कपड़े डालने, ये ना हो कि कपड़े डाल के फिर आप वाटर लेवल सेलेक्ट करें। वाटर लेवल हमें बता देता है। अब ये जो 10 मैक्सिमम है, 8.5 में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने वॉश कर सकते हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 सूट एट अ टाइम आप वॉश कर सकते हैं, इससे मत कीजिएगा वरना वो टब के ऊपर लोड होता है। 120 में आप कितना डाल सकते हैं, 120 में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 सूट डाल सकते हैं, 150 में जो है आप 8 to 10 सूट मैक्सिमम डाल सकते हैं। अब मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया कि आप कितने डाल सकते हैं और वो आप वाटर लेवल के हिसाब से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। अब करना ये है कि इसमें बिल्कुल मैं बता चुकी हूँ कि मेरा ये सारा HWM901789 की ही कॉपी है। इसमें आप नॉर्मल, हैवी, स्पिन, क्विक, डीप क्लीन, वूल, डेलिकेट, एयर ड्राई, जो मैंने फंक्शन यूज़ किया है सेम ये वही होगा, उसकी प्रोग्राम सेटिंग भी वही होगी, इसकी टब क्लीनिंग भी सेम वही है, चाइल्ड लॉक
भी मैंने बिल्कुल बताया है आपको, और वाटर लेवल, वॉश टाइम, स्प्रिंस टाइम में मैंने पूरी जो है इसमें प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से जो है वाटर लेवल आपका सिलेक्ट होगा। और वॉश टाइम हो रहा होगा तो आप रिंस टाइम को ज़ीरो और स्पिन टाइम को ज़ीरो और डिलो ज़ीरो कर देंगे तो क्या होगा, वॉश टाइम हो जाएगा खाली। यानी कि आप वॉश टाइम को एक दफ़ा में दो से तीन दफ़ा कपड़े वॉश करना चाहते हैं तो आपने जो है रिंस, स्पिन और डिले को आपने ज़ीरो कर देना है। अगर आप रिंस कर रहे हैं और उसी पानी को वाटर रिजर्व जो हम वो ऑप्शन यूज़ करेंगे उसमें आपने क्या करना है, रिंस जो है क्या कहते हैं सेलेक्ट करना है, लेकिन स्पिन और डिले फंक्शन आप ज़ीरो कर देंगे, वाटर रिजर्व वाला बन जाता है। स्पिन करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो सारा ड्रेन ऑफ कर देगा। स्पिन मैं आपको बताती हूँ, स्पिन ऑप्शन का मतलब होता है कि वो ड्रेन भी कर रहा है पानी को। डिले फंक्शन मैं आपको अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, डिले फंक्शन जिस भी मॉडल नंबर पर हो वो सेम वर्क करता है। यानी कि आप थोड़ा डिले करना चाहते हैं, अभी बस आपने डिटर्जेंट और लॉन्ड्री आपने वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दी, सेट कर दिया आपने टाइम और अपने टाइम के मुताबिक जो है आप उसको वॉश करना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से जो है वो आप डिले फंक्शन चूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पूरा पैटर्न ड्रॉ करके बता दिया है कि ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल HWM901789826 मॉडल नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या कुछ भी आपने नॉलेज लेनी है, आपको मेरी सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और सारी वीडियोस आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, चाहे वो इस वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग से रिलेटेड हो, फिल्टर क्लीनिंग, लिंट क्लीनिंग, ड्रम क्लीनिंग, जितनी भी ऑल ओवर मशीन की क्लीनिंग भी मैंने बताई है वो सारी आप मेरे चैनल पर जाकर बिल्कुल इसी को कॉपी कर सकते हैं। 826 को हैंडल करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप जाएं मेरे चैनल पर और इजिली जाकर देख सकते हैं, आपको ये सारे फंक्शंस आपको इजिली उस पर मिल जाएंगे। होप सो आपको समझ आई होगी। और जो व्यूअर्स मेरे 826 मॉडल नंबर के हैं वो बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें, उनको मैंने पूरा समझा दिया, गाइडलाइन दे दी है और वो अब मेरे चैनल पर जाकर चैनल पर वीडियोस में जाएं और नीचे जाते जाएं, आप फंक्शंस या क्लीनिंग या माया देना है कपड़ों को, नील देना है आपने या एक ही सर्फ को आपने रिपीट करना है तो वो सारा आप जो है इसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको इजिली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्यूअर्स मैं होप सो आपको ये समझ आया होगा और आपको आपकी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इसे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनके पास ये मॉडल नंबर है, और उनको शेयर भी कर सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने मॉडल नंबर के अपनी वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कीजिएगा फेसबुक और इंस्टा पर भी, इंस्टा पर मैं हिना सुहेल से हूँ और फेसबुक पर मेरा हिना 7 का अलग से पेज है, तो काइंडली आप जाएं और जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।